फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 12 पद्य के पाठ 2 का भाषा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश के लिए प्रसंग देख लेते हैं। तो इस पद्यांश में भरत जी के दुखों का वर्णन किया गया, उनकी इच्छाओं को बताया गया। तो चलिए देखते हैं। इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। जब भरत जी अपने भाई राम से मिलते हैं, अपनी इच्छाओं को बताते हैं, तो वहां का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि देखिए, इसी अयस माने होता है कलंक। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म मिस होता है जन्म। हाँ, इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। निज मिस अपनी जननी मिस माता हाथ निशान हनन मिस नष्ट होना, अर्थात आदर्शों का हनन करना। देखिए, भरत जी कहते हैं कि हाँ, इसी कलंक के लिए ही मेरा जन्म हुआ था और अपनी माता के हाथों ही मेरे आदर्शों का हनन होना था। अब कौन अभिषिक्त और आर्यवा किसका। देखिए, अब कौन अभिषिक्त अपने भाई राम जी से कहते हैं कि ये भाई, अब मेरी कौन सी इच्छा है। अभिषिक्त मैंने इच्छा अभिलाषा, आर्यविश आर्य अब किसका। हे भाई, अब मेरी कौन सी इच्छा है, कौन सी अभिलाषा है। संसार नष्ट है, इस व्यक्ति का संसार नष्ट हो गया है। भ्रष्ट हुआ घर जिसका, अब जिस व्यक्ति का घर उजड़ गया है, उस व्यक्ति की कौन सी इच्छा हो सकती है। अब आप ही बताइए। मुझसे मैंने यास में मुंह फेरा। हे भाई, आज मुझे स्वयं से गलानी हो रही, इसलिए आज मैंने खुद से अपना मुंह मोड़ लिया है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु माने भगवान राम ने भाई को अर्थात भरत को अपना पकड़ हृदय पर खींचा, उसे पगने पकड़कर अपने गले से लगा लिया। जब राम जी ने इस बात को भरत के मुंह से सुना, तो उन्हें अपने गलों से गले से लगा लिया। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन मिस आंखों से आंखों में आंसू लिए। जल आंसू रूपी जल से सब विनोद विनोद के साथ उन्हें फिर सींचा। तात उनके आंसुओं से भरत जी भीग गए। उसके आशय की था मिलेगी किसको। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए, उसको आशय की था मिलेगी, उसके कर्मों का परिणाम उसे मिलेगा। जनकर जननी ही जान न पाए। जनकर भी जन्म देने वाली जननी भी माता जन्म देने जिस पुत्र को जन्म देने वाली माता नहीं जान पाई उसकी इच्छाओं उसकी कामनाओं को, अर्थात उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, इसी है इसके हेतु जन्म था मेरा। भरत जी कहते हैं हाँ, इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के याद था मेरा, मेरी माता के ही मेरे स्वयं की माता के हाथों मेरे आदर्शों का आनंद था। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका। हे राम, अब आप बताइए मेरी दूसरी इच्छा क्या हो सकती है। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। जिस व्यक्ति का संसार नष्ट हो चुका है और जिस व्यक्ति का घर उजड़ चुका है, अब उसकी दूसरी इच्छा क्या हो सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। आज मुझे स्वयं से गलानी हो रही है, इसलिए आज मैंने मुंह से खुद से मुंह मोड़ लिया है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब भगवान राम जी इस बात को अपने भरत के मुंह से सुनते हैं, तो अपने भाई को अपने गले से लगा लेते हैं। रोदन जल से सबिनोद ने फिर सींचा और उनके आंसुओं से उनके भरत जी भीग जाते हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसको। राम जी कह रहे हैं कि उस माता को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जननी जनकर जननी जान ना पाई जिसको, जिस पुत्र को जन्म देने वाली माता ही नहीं जान पाई, था उस माता को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, यदि